विसर्जन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो भक्त है वो बिल्कुल अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और नाचते गाते हुए गणपति जी का विसर्जन करने जा रहे हैं। जो महंत दिव्य वो गणपति जी को लेकर विसर्जन के लिए जा रहे हैं। और इसी तरह से इस तरह से आप देखेंगे पूरी जो महिलाएं हैं, आपको यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा दिखेंगी क्योंकि ये पूरा का पूरा जो महंत है वो भी महिला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। पहले तो गणपति विसर्जन या जो गणपति जी की स्थापना होती थी सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे देश के हर एक तबके में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन लोग हैं या फिर जो लोग हैं यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पर कार में भी बैठी हैं और पैदल भी चल रही हैं, आप जिस तरह से देखेंगे उनके लिए। तो आइए बात करते हैं नाम से। मैम आपका नाम? उपमा पांडे। कैसा लग रहा है यहाँ पे विसर्जन में? बहुत अच्छा। क्या देना चाहेंगी संदेश? गणेश जी जब भी आते हैं खुशी का माहौल हो जाता है, सब ऐसे ही खुश रहे बस। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी बीच हम आ गए हैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में जहाँ पर गणपति जी की मूर्ति स्थापित की गई है। आइए हम बात करेंगे यहाँ की महंत दिव्या जी से। तो मैम आप गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए वैसे तो हम लोगों के प्रथम देव गणेश जी हैं, चूँकि कुछ वर्षों से ज़्यादा ही वैसे तो महाराष्ट्र पहले बहुत जोर शोर से मनाया था, मगर पूरे भारत में ही बहुत जोर शोर से मनाते हैं गणपति जी का त्यौहार। वो तो प्रथम देव हैं ही, हम लोगों का अगर छोटा सा भी कोई पूजन पाठ होता है उसमें पहले गणपति का हम आह्वान करते हैं। चूँकि गणेश चतुर्थी गणेश जी का जन्मोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं, कोई 3 दिन कोई 5 दिन कोई 11 दिन तक उनकी स्थापना कर विसर्जन करता है। तो जो उनसे सीखने योग्य बात है, उनकी जब आप विग्रह को देखेंगे तो जो कान है वो शरीर से बिल्कुल अलग, मतलब बड़े हैं। तो इसका तात्पर्य होता है कि अधिक सुनना है आप अपने जीवन में। और चूँकि जब हम समाज में रहते हैं तो नाना प्रकार की बातों को सुनना ही होता है और बोलना कम है। देखिए जो उनके आप ओट देखेंगे वो सुड़ के नीचे होते हैं, तो बोलना कम होता है, सुनना अधिक होता है। और जो भरण पोषण को जो हमारा एक व्यापारी वर्ग जो हमारा समाज का मानते हैं वैश्य, वो उनका आप देखेंगे पेट आकार से शरीर से अधिक बड़ा होता है। यानी कि जो भरण पोषण करके पूरे समाज को फिर खाता हो वो संदेश है। तो उनके विग्रह से ढेर से संदेश मिलते हैं। आप पूजन करिए, उनके संदेशों को ग्रहण करिए तो शायद सार्थकता रहेगी इस भोजन का, जन्मोत्सव का। जी तो अगर देखा जाए तो वैसे ही तो लोग, आपने ही बताया कि 7 दिन 11 दिन तक रखते हैं, तो आपने शायद 2 दिन तक रखा, तीन दिन अच्छा आपने 3 दिन तक रखा है। तो यहाँ पर मतलब जो व्यवस्था है वो किस तरह से कौन संभालता है और किस तरह से चीज़ें होती हैं? वैसे तो हैं यहाँ के जो स्वयं सेवक हैं, 50 से अधिक स्वयं सेवक हैं, वो अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं को समझा, बस मुझे देख देख करनी पड़ती है और बताना पड़ता है। क्योंकि हर एक दिन हमारा त्यौहार होता है, सोमवार को ही एक त्यौहार के रूप में हम लोग पूरे हफ्ते में एक त्यौहार मनाने लगते हैं, मगर परंतु हर दिन कोई ना कोई विशेष उत्सव ही होता ही है, हम लोग फिर उसको धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं। हर कोई बस खुशहाली की ही कामना करता है भगवान से। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी विसर्जन हो रहा है, 3 दिन का ही इन लोगों ने जो गणपति जी की स्थापना की थी। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं महिमा शर्मा, डेली इनसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।